अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लौकी का रायता बनाने की रेसिपी दूंगी। उसके लिए हमें चाहिए एक पाव लौकी ली थी मैंने उबाल के, इस तरह मैंने मोटी मोटी पीस ली है। और इसके दही के अंदर जो जाएगा जनाब लौकी, नमक एक हाफ टी स्पून, एक टी स्पून चीनी और हाफ एक पिंच ऑफ वन पिंच ऑफ ये चाइनीज सॉल्ट आता है अजीनोमोटो, वो डाल दिएगा। और ये हरी चटनी, ये असल में इसकी असल टेस्ट इसका इसमें है। एक एक टेबल स्पून पुदीना, एक दो हरी मिर्चें, दो लहसुन लहसुन के जवे और आधा हाफ टी स्पून जीरा लेके आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है, या आप इसको सिल पे पीस लें या आप ग्राइंडर में कर लें। इस तरह आपने इसकी ग्रीन चटनी बना लेनी है। अब सबसे पहले हमें दही के अंदर चाइनीज सॉल्ट, चीनी और नमक ये चीज़ें डाल के खूब अच्छी तरह फेंटना है। जब ये दही के अंदर से सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे, चटनी ऐड करेंगे, उसके बाद लौकी ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर इसका तड़का लगाएंगे। तो आप देखें बहुत टेस्टी होता है ये लौकी का रायता साइड डिश के तौर पे, और वैसे भी ये रोटी पराठों से बहुत मज़े का लगता है। आप बनाया करें, बड़ी ट्रेडिशनल डिश है ये। सर आपने खूब अच्छी तरह इसको फेंट लिया, इस स्टेज पर हम इसमें यह ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। राइट, देखें कितने खूबसूरत कलर आया। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमें फेंटना है, खूब अच्छी तरह। जब ये फिट जाए तो फिर हम इसके अंदर लौकी ऐड कर देंगे। लौकी ऐड करने के बाद हर चीज़ इसकी एकदम रेडी हो गई, हमारा रायता रेडी हो गया। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इस स्टेज पे इसमें पानी भी ऐड कर सकती हैं, चाहे तो थोड़ा दूध डाल के इसको पतला कर सकती हैं, थोड़ा लिक्विड ही कर सकती हैं। मुझे इसी टेक्सचर में पसंद है। तो मैं अब हमें तड़के के लिए चाहिए जनाब एक हाफ कप ऑयल, उसमें हम डालेंगे साबित लाल मिर्चें जो पटना मिर्चें कहलाती हैं, ये डालेंगे। इनका ये जैसे सिमर होंगी इनका कलर चेंज होगा, और ज़ीरा, तो हम इसका तड़का लगा देंगे। बहुत पसंद आता है मेरे बच्चों को भी, घर में भी सबको पसंद आता है लौकी का रायता। आप बनाया करें, बच्चों को दिया करें, इस बहाने बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं, दूध भी चला गया, हर चीज़ मिल गई बच्चों को इसके अंदर। राइट, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमारे लीज मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहें अगर आपको डर नहीं लगता तड़के वड़के से, थोड़ी सी दही आपने इसमें ली पक्के, आपने हमारा लौकी का रायता रेडी है। आप इसको पराठे के साथ और जनाब घी की असली घी की जो रोटी होती है मक्खन की रोटी, उसके साथ खाएं। राइट, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।